जिले में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के अंतर्गत जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आगाज शुक्रवार को हुआ। इस 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आगाज गौ सेवा आयोग अध्यक्ष मेवाराम जैन, जिला कलेक्टर लोकबंधु, सभापति दिलीप माली और अन्य अतिथियों ने ध्वज फहराने के बाद मार्च पास्ट की सलामी लेकर किया। वहीं अब विभिन्न खेलों में ब्लॉक स्तरीय विजेता टीमों के बीच कई मुकाबले खेले जाएंगे। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर विभिन्न ब्लॉक की विजेता टीम और खेल प्रेमी उपस्थित रहे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का गुरुवार को आगाज हुआ। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन ने जिला मुख्यालय पर आदर्श स्टेडियम में विधिवत रूप से खेलों का शुभारंभ किया। इस मौके पर गौ सेवा आयोग अध्यक्ष ने ध्वजारोहण कर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं की औपचारिक घोषणा एवं मार्च पास्ट की सलामी ली तथा खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ दिलाई। इसी दौरान विधायक चौहटन पदमाराम मेघवाल, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, सभापति दीपक माली एवं जिला कलेक्टर लोकबंधु भी उपस्थित रहे। इस दौरान गौ सेवा आयोग अध्यक्ष एवं विधायक जैन ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों से प्रदेश में आपसी प्रेम, भाईचारा, सद्भावना एवं सहयोग का माहौल बनेगा। उन्होंने कहा कि इन खेलों से उत्सव जैसा वातावरण बना है, क्योंकि इन खेलों में गाँवों के हर आयु वर्ग के लोग एकजुट होकर उमंग एवं उत्साह से खेलें एवं विभिन्न खेल देखकर लुत्फ उठाएं। उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भी सभी प्रतिभागियों से आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर खेल भावना के साथ सभी खेलों में हिस्सा लेने का आह्वान किया। विधायक पद्माराम मेघवाल ने कहा कि बड़े पैमाने पर खेलों के इस आयोजन से जिले में खेलकूद का नया माहौल बना एवं खिलाड़ियों में नए जोश एवं ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने कहा कि जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, केवल प्रोत्साहन की जरूरत है। इस दौरान जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कहा कि बड़े स्तर पर ग्रामीण खेलों के आयोजन से आपसी भाईचारे की भावना बढ़ाने का एक अवसर मिला। के अगले पायदान पर आज अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इसमें 190 दल जिला कलेक्टर लोकबंधु के मुताबिक 3 दिवसीय आयोजन में कबड्डी, खो खो, हॉकी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और शूटिंग बॉल खेलों के जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश बिश्नोई, अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेश सिंह रत्नू, उपखंड अधिकारी समंदर सिंह, प्रधान महेंद्र जानी समेत जनप्रतिनिधि, खेल प्रेमी एवं अधिकारी मौजूद रहे।